हे व्यूअर्स वेलकम बैक टू अवर चैनल किचन सलामत आज मैं बनाऊंगी फाइव मिनट्स वनीला केक इन माइक्रोवेव तो चलिए इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आइए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे मैं ले रही हूँ अल्पपस फ्लावर वन कप प्लस टू टेबल स्पून एटी फाइव ग्राम्स ऑफ बटर एट रूम टेम्परेचर वन टी ऑफ़ वनीला एक्स्ट्रैक्ट टू टी स्पून हाफ कप ऑफ शुगर टू टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर थ्री फोर्थ कप ऑफ मिल्क रूम टेम्परेचर वन फोर्थ कप ऑफ योगर्ट एंड अ गुड पिंच ऑफ सॉल्ट तो अब यहाँ पे मैं जो बटर यूज़ कर रही हूँ ये हार्ड बटर नहीं है बल्कि सॉफ्ट बटर है यानी कि रूम टेम्परेचर पे तो प्लीज़ आप भी मेक श्योर करिए कि आप सॉफ़्ट बटर यूज़ करें हार्ड बटर बिल्कुल भी मत यूज़ करिए तो यहाँ पे मैं लूँगी एक बोल जिसमें ऐड करूँगी बटर और वनीला एसेंस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी स्पैचुला के हेल्प से सो so दैट ये मेरा बटर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और क्रीमी हो जाए बेकिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होती है तो प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को मेरे फॉलो करें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैं केक बनाने के लिए ना तो अवन का इस्तेमाल कर रही हूँ ना तो मैं केक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ ना एग्स तो मैं यहाँ पे सिर्फ माइक्रोवेव में बनाऊँगी फ़ाइव टू सिक्स मिनट फाइव टू सिक्स मिनट्स में मेरा केक रेडी हो गया था अगर आपका कंटेनर पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेनर यूज़ कर रहे हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा थिन है तो इट विल टेक फाइव मिनट्स अगर आपका कंटेनर ज़्यादा थिक है तो इट विल टेक एट मिनट अप्रॉक्सीमेटली तो प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि आप वहीं हों और इसे देखते रहें चेक करते रहें फ़ाइव मिनट्स के बाद उसके बाद ही अगर आपको दिखे कि ये और ज़्यादा कुक होना है तो आप और वन मिनट या टू मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं तो कुकिंग टाइम डिफरेंट रहेगा और सबके पास अलग अलग माइक्रोवेव्स रहते हैं तो इस वजह से आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप उस पर आई रखें तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी योगर्ट यहाँ पे मैं एग को योगर्ट से सब्सटीट्यूट कर रही हूँ अगर मैं माइक्रोवेव में एग यूज़ करूँगी तो इट विल बिकम रबरी सो so, मैं यहाँ पे योगर्ट यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है ये अब इस मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप ऑफ शुगर और अच्छे से डिजोल्व होने तक शुगर मिक्स करते जाऊँगी अब इसे कोई भी फ्रॉस्टिंग दे सकते हैं मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये प्लेन वनीला केक है तो इसके साथ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग विल लुक वेरी नाइस एंड टेस्ट गुड तो आप आपकी मनपसंद फ़्रॉस्टिंग दे सकते हैं यानी कि आपको चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट फ्रॉस्टिंग दीजिए अगर नहीं तो आप क्रीम वाली फ़्रॉस्टिंग भी दे सकते हैं मैं यहाँ पे बटर क्रीम यूज़ कर रही हूँ ये केक खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है एंड देर बन ही जाता है अच्छे से और आप को अगर क्रेविंग हो रही है तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें मैं यहाँ पे लूँगी एक सीव जिसमें ऐड करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी आल पर्पज फ्लावर बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट और इसको अच्छे से सीव कर लूँगी आप प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस स्टेप क्योंकि सीव करने से हमारा केक और भी ज़्यादा फ्लफी और मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा तो प्लीज़ आप इस स्टेप को स्किप ना करें तो मैं इसे अच्छे से सीव कर लूँगी अगर आप यहाँ पे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट रेफ्रिजरेट दिस केक इसको बाहर ही रखिए तो अब मैं इसे मिल्क ग्रेजुअली ऐड करते जाऊँगी और अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी यहाँ पे स्पैचुला ले रही हूँ इसके हेल्प से मैं अच्छे से ऐड करूंगी और केक का बैटर रेडी करूंगी एक साथ ऐड नहीं करना है तो ज़्यादा लम्स बन जाएंगे तो आप ग्रेजुअली ऐड करें बहुत ही टेस्टी बनेगा ये केक और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही जेली और टेस्टी भी है एट द सेम टाइम तो ऐसे ही मिक्स कर कर इसे लम्स पूरे जाने तक इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे देखिए मेरा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है अब मैं लूँगी ये कंटेनर ये माइक्रोसेफ कंटेनर है ए जिसमें पाँच मिनट पेपर डाला है मैंने अब इसके अंदर ऐड करूँगी केक का बैटर पोर कर दूंगी सारा बैटर इसमें और इसको इवनली स्प्रेड कर दूँगी या चाहे तो आप इसे दो बार टैप भी कर सकते हैं सो दैट ये अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए ये देखिए इस तरह से आप इसे इवनली स्प्रेड कर दीजिए यहाँ पे मेरा पूरा बैटर सेट हो गया है अब ये जाएगा अवन में तो मैं तो फाइव टू तो सिक्स मिनट्स लगे हैं मुझे आ, इस केक को बनाने में तो आप प्लीज़ वहीं रुकिए और इसे चेक करते जाइए अब यहाँ पे मैं बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ जिसमें ले रही हूँ एटी ग्राम्स ऑफ बटर एट रूम टेम्परेचर शुगर हाफ कप एंड वनीला एक्सट्रैक्ट वन टी स्पून इफ़ यू वॉन्ट टू एड यू कैन ऐड स्प्लैश ऑफ मिल्क और हेवी क्रीम और इसे अच्छे से विफ कर लीजिए ऐसा टेक्स्र आने तक विस्क कर लीजिए इसको देखिए यहाँ पर द टेक्स्र एंड कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक दिस यहाँ पर मेरा केक रेडी है नाइफ इज़ क्लीन तो मैं भी इसे ठंडा होने तक रख दूँगी ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है प्रॉपरली अब मैं बटर फ्रॉस्टिंग इस पर ऐड कर दूँगी ये देखिए इस तरह से अब कोई भी अपनी मनपसंद फ्रॉस्टिंग दीजिए एज पर योर विश और कैसे भी इसको डेकोरेट करिए स्प्रिंकल से या फिर चॉकलेट से ऑन योर विश यहाँ देखिए मैंने चॉकलेट से इसे डेकोरेट करा है इट्स रेडी टू सर्व इट्स रियली वेरी टेस्टी एंड यमी तो देखिए आप इसकी सॉफ्टनेस मैं यहाँ पे आपको कट कर कर बता रही हूँ इट्स रियली सॉफ़्ट एंड मॉइस्ट लुक एट दिस ये बहुत ज़्यादा इजी और टेस्टी रेसिपी है प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक विद योर लव्ड वंस थैंक्स फॉर वॉचिंग